Hi there everyone, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing really well. आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मार्स के न्यूली लॉन्च्ड ब्रशेस विच आर दी प्रोफेशनल ब्रश सेट, जो इसमें आपको 12 ब्रशेस मिल जाते हैं. उसका हम डेमो करने वाले हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम्पेयर इट जो मार्स के प्रीवियस ब्रश सेट से कि उनसे बेटर है या फिर नहीं है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग. ये मैंने परचेज करे हैं Amazon से और इसका नाम है मार्स प्रोफेशनल ब्रश सेट. इसमें आपको 12 ब्रशेस मिलते हैं इस तरीके की. आपको आउटर पैकेजिंग में ये रिसीव होता है. द पैकेजिंग इज वेरी नाइस. यहाँ पे पीछे बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है कि इट हैज 11 ब्रशेस, सॉरी आई एम सेइंग 12, 11 ब्रशेस हैं यहाँ पे और प्राइसिंग वगैरह एंड एवरीथिंग लिख रखी है. Amazon से ही मुझे पड़ा था 1898. ओवरऑल करके बोलूँ तो 1900 का मुझे ये सेट पड़ा था. एंड व्हेन यू एक्चुअली ओपन इट अप यू रिसीव अ वेरी नाइस पैकेजिंग. मुझे आज तक इस तरीके की पैकेजिंग में कभी कोई ब्रशेस रिसीव नहीं हुए. द पैकेजिंग इज सो नाइस एंड सो स्टर्डी. यू जस्ट हैव टू ओपन अप द चेन एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे आपको ब्रशेस मिल जाते हैं. 1 2 3 4 5 फेस ब्रशेस एंड 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आई मेकअप ब्रशेज विच इज अ ग्रेट डील. इन टोटल आपको 12 मेकअप ब्रशेज यहाँ पे मिल रहे हैं विच इज लिटरली इनफ फॉर डूइंग योर होल फेस मेकअप. सबसे पहले अगर मैं आई मेकअप ब्रशेस की यहाँ पे बात करूँ, जो आपको 7 आई मेकअप ब्रशेस मिल रहे हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के. उसमें से सबसे पहला आपका ब्रश आता है ये, दिस इज दी मार्स बिग आई ब्रश. ये इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आपको मिलता है. एंड मुझे इसमें क्या चीज एक अच्छी लगी कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये किस चीज का है. दिस इज द बिग आई शैडो ब्रश. इस तरीके का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है जो आप अपनी यू नो आई शैडो को इस तरीके से ब्लेंड आउट करने के लिए यूज बहुत इजीली कर सकते हो. हर ब्रश का जो यूसेज है ना वो साथ के साथ स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखता जाएगा कि मैंने किस तरीके से उसको यूज किया है. नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे मिल जाता है आई शैडो पैकिंग ब्रश. ये कुछ इस तरीके का स्मॉल ब्रश है. इसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने आउटर वी पर कलर प्लेसमेंट बहुत इजीली कर सकते हो या फिर नॉर्मली भी अगर आपको कोई भी कलर की प्लेसमेंट करनी है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो. कई बार हमें स्मोकी आई करना होता तब भी हम बहुत ईजिली इसकी हेल्प से अपना आई शैडो प्लेस कर सकते हैं. Then you get a very nice small eyeshadow brush just like this. It's a small blending brush और आप इसको use कर सकते हो for blending out your details. जैसे आपने कोई color place कर लिया, आपको harsh line और edges दिख रहे हैं तो आप इसकी हेल्प से blend कर सकते हो या फिर you can also use it in your lower eyes, lower lash line पर use कर सकते हो अपना color placement के लिए. Next up we are getting is a एंगल्ड लाइनर ब्रश एंड स्पूली. इसकी एक साइड पे आपको मिल जाती है स्पूली विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ब्रश योर ब्राउज लाइक दिस और दूसरी साइड पे एंगुलर ब्रश मिल रहा है. द ब्रश इज वेरी नाइस. आई फिल्ड माई ब्राउज विद इट और बहुत अच्छे से इसने मेरी ब्राउज को फिल इन कर दिया था. द क्वालिटी इज वेरी नाइस. ठीक है. एंड देन यू आर गेटिंग ए स्मॉल कंसीलर ब्रश. इस तरीके का कंसीलर ब्रश है. इफ यू वॉन्ट टू डू कलर प्लेसमेंट, कंसीलर प्लेसमेंट या फिर आप इस तरीके से कट क्रीज करना चाहते हो तब आप उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट अब यू आर गेटिंग अ लिप ब्रश. लिप ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्टली जितने भी आपको मेकअप ब्रशेस सेट मिलते हैं उसमें लिप ब्रश नहीं होता. लिप ब्रश से आप अच्छे खासा ऑम्ब्रे लिप कर सकते हो या फिर लिपस्टिक की प्लेसमेंट भी कर सकते हो. एंड लास्टली आपको यहाँ पे मिल रहा है आईलाइनर ब्रश विद अ वेरी नाइस पैकेजिंग और बहुत ही ज्यादा फाइन टिप है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही प्रिसाइज आईलाइनर जो है वो इजिली ड्रॉ कर सकते हो. सो ये थे 7 ब्रशेस जो आपको मिल जाते हैं आई मेकअप के लिए और ट्रस्ट मी गाइज इसमें से एक भी ब्रश का एक सिंगल हेयर भी शेड नहीं हो रहा था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 फेस ब्रशेज यू आर रिसीविंग है. अगेन जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ एक भी सिंगल हेयर शेड नहीं हो रहा था. बहुत ही अच्छी और फाइन क्वालिटी में मुझे यहाँ पे रिसीव हुए थे. तो लाइन वाइज बात करते हैं. सबसे पहले आपको मिलता है आपका फाउंडेशन ब्रश. यहाँ पे मेंशन कर रखा है दिस इज अ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश. इस टाइप का फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश आपको यहाँ पे मिल जाता है विच यू कैन इजिली यूज टू ब्लेंड आउट योर फाउंडेशन. एंड बिकॉज दिस इज सो फ्लफी और बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा डेंसिटी और वॉल्यूम है इट ब्लेंड आउट योर फाउंडेशन वेरी नाइसली. बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है एंड इट इज सुपर सॉफ्ट ऑन द स्किन. नाउ टू ब्लेंड आउट योर कंसीलर यू आर गेटिंग ए कंसीलर एंड हाईलाइटिंग ब्रश. अगेन इट कम्स इन सच अ नाइस क्वालिटी. आप इसकी हेल्प से अपना कंसीलर बहुत ही इजिली ब्लेंड कर सकते हो या फिर मेकअप कंप्लीट होने के बाद अपने अंडर आइज को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर जो बेसिक डिटेलिंग्स होती है ना जो आपको टचअप्स करने होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. जैसे नोज के कॉर्नर्स पे इस तरीके से छोटे टचअप्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. नेक्स्ट आप यू आर गेटिंग ए पाउडर ब्रश, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है गाइस, ट्रस्ट मी। आप इसकी हेल्प से अपने अंडर आइज को बहुत इजीली पाउडर कर सकते हो, बिकॉज अंडर आइज एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत फ्लफी ब्रश जो है सेट नहीं कर सकते, तो इस तरीके के ब्रशेज जो है ना आपका पाउडर पैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और वैसे भी आप अपना ओवरऑल फेस जो है वो इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक कॉन्टोर ब्रश, इट्स ए स्लैंटेड एंड वेरी नाइस फ्लफी पाउडर ब्रश। आप इसकी हेल्प से अपना कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर या क्रीम कॉन्टोर से नहीं बोलूंगी बट पाउडर कॉन्टोर या ब्रॉन्जर आप डेफिनेटली कर सकते हो। आई यूज दिस टू ब्रॉन्ज अप माई चीक्स, देन माई जॉ लाइन, अपना फोरहेड एंड इवन माई नोज। दिस इज सॉफ्ट एज हेल, लिटरली सच अ सॉफ्ट ब्रश। मुझे ऐसे फील हो रहा है अपने फेस पे लाइक आई एम मूविंग अ फेदर ऑल अराउंड माई फेस, उतना ज्यादा सॉफ्ट है। देन यू आर गेटिंग ए ब्लश ब्रश। आई एम इन लव विद दिस ब्रश। मैंने ऐसा ब्लश ब्रश ट्राई नहीं किया, यूजुअली ना पाउडर ब्रशेज होते हैं इस तरीके के, बट ये इतना सॉफ्ट और इतना ज्यादा डेंस ब्लश ब्रश है ना, इससे ब्लश की एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी हुई थी। इस तरीके से आप अपने ब्लश की एप्लीकेशन कर सकते हो। इट जस्ट फिट्स योर चीक सो राइट, बिकॉज इस तरीके का स्लैंटेड है तो ये ना बहुत अच्छे से पाउडर की प्लेसमेंट कर देता है, जस्ट लाइक दिस। एंड आप इससे नोज पे और अपनी चिन पे भी बहुत अच्छे से पाउडर एप्लीकेशन कर सकते हो। ये तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि यहाँ पे आपको कौन से ब्रशेस मिल जाते हैं। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द क्वालिटी। ऑनेस्टली गाइस, सबसे पहले मुझे जब ये ब्रशेस रिसीव हुए, आई लव देयर पैकेजिंग, देयर क्वालिटी, एवरीथिंग। जो हैंडल्स हैं यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा स्टर्डी हैं, बिल्कुल भी कहीं से मूव नहीं हो रहे, कहीं से पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही। द पैकेजिंग इज वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट चीज हमें चाहिए होती है कि हमारे मेकअप ब्रशेज में से हेयर शेड ना हो रहे हो, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट थिंग। मेरा एक भी मेकअप ब्रश का मुझे हेयर शेड होता हुआ नहीं दिखा था। हाँ, एक आधे का थोड़ा ऐसे हेयर स्टैंडिंग निकला हुआ है बाहर, बट वो शेड बिल्कुल नहीं हो रहा। इट इज सुपर 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 सॉफ्ट, लाइक आई मस्ट से मेरे जो फेवरेट ब्रशेज है ना, दे आर प्रॉश के मेकअप ब्रशेज। और उसके बाद मैंने ये ट्राई करे हैं विच इज सो गुड, मतलब इतना सॉफ्ट है यू डोंट इवन फील लाइक कि आप कोई पाउडर यूज कर रहे हो। लिटरली आपको ऐसा लगता है आप फेदर यूज कर रहे हो अपने फेस के ऊपर। द क्वालिटी इज वेरी नाइस, हैंडल्स बहुत स्टडी और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपको फुल फेस के लिए ब्रशेज मिल रहे हैं, लाइक लिटरली यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रश नहीं है जो आपको यहाँ पे ना मिल रहा हो। फुल फेस एंड फुल आईज मेकअप, ब्लेंडिंग ब्रशेज मिल रहे हैं, छोटे ब्लेंडिंग ब्रश मिल रहा है आपको यहाँ पे, आई शेडो पैक करने के लिए कंसीलर ब्रश मिल रहा है, लिप लाइनर ब्रश मिल रहा है, आप उसका एज आई लाइनर भी यूज कर सकते हो, लिप ब्रश एंड कंप्लीट फेस मेकअप ब्रशेज। लाइक लिटरली आई फील लाइक कि अगर आपको एक सेट परचेज करना ना जिसमें आपको सारी आपकी ब्रश नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए, दिस इज द वन। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, बिकॉज यहाँ पे हर एक ब्रश आपको मिल रहा है। एंड इवन फॉर गिफ्टिंग पर्पसेज, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो अच्छा सा ब्रश सेट एंड यू आर लाइक नॉट रियली श्योर आपको क्या परचेज करना चाहिए, या फिर एट द सेम टाइम यू वांट समथिंग जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो बट पैकिंग वाइज ये बहुत लग्जूरियस लग रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। एंड लिटरली मैं ये वाला जो मेरा ब्रश सेट है ना, इसको मैं सेपरेट रखने वाली हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल करूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अपने ब्रशेज जो है वो कहीं कहीं से ढूंढने ना पड़े कि कौन सा लेके जाऊं। मैं सिर्फ इसको पिक करूँ अपनी पैकिंग को और इसको मैं ले जाऊँ, बिकॉज लिटरली इसमें मुझे लगता है सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर एड करने की कमी है। ब्यूटी ब्लेंडर रखा है और गुड टू गो, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा ब्रश पिक करना कौन सा नहीं करना। फुल फेस और फुल आई मेकअप आप बहुत इजीली इससे कर सकते हो, बिकॉज इसमें ए टू जेड सारे के सारे ब्रशेस हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं मार्स के पुराने ब्रशेस के साथ भी इसका कंपैरिजन डेफिनेटली करना चाहूंगी। ये वाला जो ब्रश सेट है ना, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 600-700 तक में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। इसमें आपको मिलते हैं 3 फेस ब्रशेस और 5 आई मेकअप ब्रशेस होते हैं। एक ब्रश मेरा यहाँ पे गायब हो गया, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, बट यहाँ पे अगर आप देखो ना, सबसे पहले आई मेकअप ब्रशेस में आपको सिमिलर ब्रशेस मिल रहे हैं, जैसे एक थोड़ा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, एक थोड़ा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, देन यू आर गेटिंग एन एंगुलर ब्रश है फॉर डूइंग योर ब्राउज, और एक छोटा सा ब्रश मिल रहा है, आप इसको एज ए लिप ब्रश भी यूज कर सकते हो। सो आई मेकअप के ब्रशेस आई फेल्ट लाइक कि सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और फेस मेकअप में फर्स्ट स्टेप यू आर गेटिंग ए कबूकी ब्रश, देन यू आर गेटिंग अ पाउडर ब्रश एंड एक it had powder in it, and then you are getting a concealer brush. But if I compare these two concealer brushes, I can totally feel the difference. The softness it has बहुत ही ज्यादा extremely soft है compared to this. ये थोड़ा stiff है, and at the same time अगर मैं यहाँ पे powder brushes की भी बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे similar type के powder brushes मिल रहे हैं, again this one is super 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 soft. Softness मेरे को दोनों की equal लग रही है, but ये बहुत ही ज्यादा extreme level का soft है, और ये थोड़े से stiff हो चुके हैं, maybe because I have used it a lot of times. दैट्स द रीजन, बट ट्रस्ट मी मेरे को इसकी जो सॉफ्टनेस है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपको गोल्डन पैकिंग वाले मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 आई मेकअप ब्रशेस और 3 फेस वाले मिलते हैं। इसमें जो मेरा बिग पाउडर ब्रश था वो गायब हो चुका है। यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा, ट्रस्ट मी ये ब्लेंडिंग ब्रश मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा खासा आपको एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश मिलता है, एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश मिलता है और एक आई शेडो पैकिंग ब्रश मिलता है। तो आई ब्रशेज बेसिकली ना सिमिलर ही होते हैं, यही मेन ब्रशेज आपको 3 चाहिए होते हैं, इसके अलावा आपको नीड भी नहीं होती है। एंड देन यहाँ पे आपको मिलता है एक पाउडर ब्रश, ओ इट हैड सो मच ऑफ पाउडर इन इट, ओके। एंड देन यहाँ पे आपको मिलता है एक कबूकी ब्रश। कबूकी ब्रश का सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे। अगेन दिस वन इज स्टिफ गाइस, द रीजन ऑल्सो इसकी मैं इनको यूज कर रही हूँ ऑलरेडी बहुत टाइम से, तो वो थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है, बट लिटरली ये बहुत इजीली ना मूव भी कर रहे हैं, मतलब। और ये वाला मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत स्टिफनेस आ रही है इसके अंदर। एंड इफ आई कंपेयर द पाउडर ब्रश अगेन, आप फर्स्ट आप देख सकते हो इसका साइज इसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एंड यू कैन, oh my goodness, I can clearly feel the softness, like ये कितना ज़्यादा soft है, I can see the stiffness in this one. Comparing these brushes with the previous 2 brushes जो Mars ने launch करे थे, I feel like Mars ने अपने आप को ये exceed कर दिया इस बारी, like अपनी expectation से भी वो आगे चले गए हैं। The quality of these brushes are so good, मतलब दोनों ब्रशेज सेट जो है उन्होंने फेल कर दिए हैं। क्वालिटी टॉप नॉच है, यहाँ पे सॉफ्टनेस बहुत अमेजिंग है, हेयर बिल्कुल शेड नहीं हो रहा है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस इफ यू वांट वन मेकअप किट, ब्रश किट, जिसमें आपको सारी ब्रश नीड्स फुलफिल हो जाए, यू हैव टू गेट दिस वन गाइस। इन तीनों का ही जो बाइंग लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट स्टिल इफ यू फील कि ये वाला जो सेट है इसका प्राइस थोड़ा हाई है और आप प्रीवियस वाले 2 जो मेकअप ब्रश सेट थे मार्स के उसमें से आप एक आधा परचेज करना चाहते हो, तो उन दोनों के बीच में भी मैंने कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, जिसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि मुझे उन दोनों में से मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। एंड या दैट इज इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियोज अपलोड करती हूँ गाइज, और आप नोटिफिकेशन बटन को जरूर हिट कर देना ताकि एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गाइज आर द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। एंड या दैट इज इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।